आज के इस वीडियो में जानेंगे यू मोबाइल से भीम यूपीआई आईडी को कैसे डी रजिस्टर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यू मोबाइल को ओपन कर लेंगे और लॉगिन पिन इंटर करेंगे। और इसके बाद ऊपर थ्री लाइंस में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद नीचे जाएंगे डी रजिस्टर, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएगा आपको। अगर आप मोबाइल बैंकिंग को भी डी रजिस्टर करना चाह रहे हैं या फिर आप भीम यूपीआई को, अगर आप दोनों को करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे तो दोनों जो है डी रजिस्टर हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है केवल भीम यूपीआई को डी रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर जो है मोबाइल बैंकिंग को यहाँ से टिक मार्क को हटा देंगे और यहाँ पर भीम यूपीआई पे रहने देंगे और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन इंटर करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे यू हैव बीन डी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और इसको क्लोज कर लेंगे। और आप अगर पुनः इसको यूपीआई को इनेबल करना चाहेंगे तो यहाँ पे भीम यूपीआई में जाएंगे और इसके बाद इसको दिया हुआ है कि डू यू वांट भीम यूपीआई टू इनेबल, इसको जैसे ओके करेंगे तो आपका भीम यूपीआई जो है पुनः जो है इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।